तो हेलो दोस्तों, आदि पुरुष के एडवांस बुकिंग पोर्टल अब धीरे धीरे हर जगह ओपन होने शुरू हो गए हैं। और भाई साहब, यकीन नहीं करोगे, जहां भी ओपन हो रहे हैं सो हाउसफुल जा रहा है। जी हां, ये वही मूवी है जिसको भर भर के क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जिसको रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप का टैग दिया जा रहा था। तो आज जानेंगे कि एडवांस बुकिंग में कैसी हालत है मूवी की ओवरसीज में और इंडिया दोनों जगह पर, सब जानेंगे उस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी आदि पुरुष के रिलीज होने का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे तब, और प्रभास के डाई हार्ड फैन है तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ओम राउत के डायरेक्शन में लगभग 700 करोड़ के टोटल खर्चे में बनने वाली आदि पुरुष को 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाएगा, और मूवी का बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ लोग इसका काफी कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। तो मूवी फुल क्रिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी में लगातार सर्वाइव कर रही है, और ना हारने वाले जुनून के साथ सर्वाइव करते करते इस फिल्म ने काफी ऑडियंस का दिल भी लूट लिया है, जिसका जीता जागता सबूत एडवांस बुकिंग से पता लग रहा है। अब हमें किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि आदि पुरुष इतने बड़े आंकड़े कलेक्ट कर सकती है। जी दोस्तों, कई इंडियन प्लेसेस पर एडवांस पोर्टल ओपन होते ही हाउसफुल का बैनर लगा के लिमिट को रोकी गई। सबका यही सोचना था कि जैसे तैसे लागत निकाल लेगी, लेकिन ऐसे बम्पर ओपनिंग लेगी किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, मूवी को 2D, 3D और IMAX स्क्रीन्स पर रिलीज कराया जाएगा। बता दूं तो मूवी हिंदी और तेलुगु भाषा में ऑफिशियली शूट करी गई है, जिसमें से कन्नड़ा, तमिल और मलयालम में भी डबिंग करके दिखाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को पूरे भारत में हर लैंग्वेज में, मीन्स पूरे पांचों लैंग्वेज में 6200 से 6500 स्क्रीन्स पर रिलीज कराया जाना है, जिसमें से हिंदी बेल्ट को लगभग 4000 स्क्रीन्स दी गई हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर होता है आफ्टर पैंडेमिक ऑफ COVID-19। और इसी के साथ आदि पुरुष भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी बन चुकी है बजट और एडवांस में अच्छा ग्रोथ करते हुए। दोस्तों, जहां इस फिल्म से उम्मीद लगाई जा रही थी कि बाहर तो चलने से रही, ये तो दूर की बात है, पहले ये इंडिया में ही चल जाए, तो यस, ओवरसीज में बहुत अच्छा ग्रोथ करते नजर आ रही है अपने दूसरे और तीसरे दिन के आंकड़े से ही। जी हां दोस्तों, बात करें वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग की, तो यस, USA में बहुत अच्छा ग्रोथ करते नजर आ रही है। लगभग 11,000 टिकट बेचकर $2,32,000 कमा चुकी है, और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 2 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलिया में $36,000 कमा चुकी है, जर्मनी से €3,200 कमा चुकी है, और UK, न्यूजीलैंड में भी अच्छी ग्रोथ करते नजर आ रही है। बात करें इंडिया में कैसी ग्रोथ है, क्या सिनेरियो है, तो यस, बात करें पहले हिंदी बेल्ट की, दोस्तों कल सैटरडे से ही पोर्टल ओपन हुए थे और आज संडे तक लगभग 10,000 से ऊपर टिकट सिर्फ हिंदी बेल्ट में बेच चुके हैं। अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो नो डाउट हिंदी बेल्ट से ये RRR का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है एडवांस बुकिंग सिनेरियो के मामले में। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में दूसरी तरफ हेटर्स की तरफ से बहुत डाउनफॉल देखने को भी मिल रहे हैं मूवी को। बाकी लाइक पठान आदि पुरुष ने भी हुंकार तो जबरदस्त भरी है, लेकिन एक पिटफॉल ये है प्रभास के फैंस के लिए, क्योंकि जब पठान रिलीज हुई थी तो SR के फैंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो का हैशटैग जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करा रहे थे, और इसका फायदा सीधा पठान को बहुत ज्यादा मिला था। लेकिन प्रभास के फैंस बिल्कुल एफर्ट नहीं मार रहे हैं। बाकी बुक माई शो में इंटरेस्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छे आंकड़े के साथ ग्रोथ करते नजर आ रही है मूवी। जी हाँ, 4,92,000 का जबरदस्त इंटरेस्ट शो हो रहा है, और ये बहुत शॉर्ट टर्म में ये आंकड़ा ऊपर चढ़ता दिख रहा है। दोस्तों, रिव्यूज टोटली मिक्स आ रहे हैं। देखो, 16 जून को क्या होता है आदि पुरुष का वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल आप लोगों से ये है कि आपको क्या लगता है, मूवी वाकई में हिट जाएगी या बिग फ्लॉप जाएगी? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।